नहीं, ये झूठ है। मेरा बापू किसी का खून नहीं कर सकता। उस रात मैंने एक आदमी को देखा था। पिछले 20 सालों से उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने है। ये वही चेहरा है राजा, भीमा का चेहरा। सूरज मत ले बापू का नाम, वरना। वरना क्या? वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। दोस्ती भुलाई जा सकती है राजा, लेकिन उस आदमी को नहीं भुलाया जा सकता जिसने एक घर उजाड़ा हो, एक मासूम और बेगुनाह बच्चे को अनाथ किया हो। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं, जिस आदमी ने खुद एक अनाथ बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो किसी और बच्चे को अनाथ कर सकता है? यही तो मैं जानना चाहता हूं राजा, कि भीमा ने जो कुछ किया किसके कहने पे किया? वो आदमी कौन था जिसके रिवॉल्वर से निकली हुई गोली ने डैडी की जान ली? ये बात सिर्फ तेरा बापू बता सकता है, भीमा बता सकता है। ठीक है, मगर बापू से तू नहीं, मैं पूछूंगा। तू पूछेगा? क्या तेरे पूछने से वो बता देगा? नहीं राजा, भीमा जैसे लोगों की जुबान सिर्फ पुलिस खुलवा सकती है। सूरज, बापू से मैं पूछूंगा। अरे राजा बेटा, तू आ गया, ये ले, बहुत थक गया होगा, ले। तेरी टांग कैसे टूटी थी बापू? टूटने दे, दूसरी भी टूट जाए तो क्या है, मुझे सहारा देने के लिए तेरे जैसा बेटा है ना। तुम इंस्पेक्टर धर्म वर्मा को जानते हो बापू? धर्म वर्मा, नाम सुना हुआ सा लगता है। हाँ याद आया, 20 साल पहले वो इधर का बड़ा साहब था, बहुत बहुत जालिम आदमी था, जरा जरा सी बात पर बंद कर देता था। फिर मैंने सुना था कि किसी ने उसका खून कर दिया था। ये खून किसने किया था बापू? तू मेरे से ऐसे पुलिस वालों के जैसे सवाल क्यों करता है? क्या बात है, मुझे बता दे बापू। एक बार तू मुझे बता दे कि तूने सूरज के बाप का खून नहीं किया। मेरे सर पर हाथ रखकर तू एक बार नहीं बोल दे बापू, एक बार नहीं बोल दे। उसके बाद अपन तेरी तरफ उठने वाला हर हाथ को तोड़ देगा बापू। एक बार बोल, एक बार तू नहीं बोल दे बापू, एक बार तू नहीं बोल दे। नहीं, मैं जानता था बापू, मैं जानता था। झूठ बोलता है ये। सूरज, मैंने तुझे कहा था ना, बापू बेकसूर है। अब उधर आ रहा नीचे। अब देखो